more important short note for your exam, and that is musculocutaneous nerve. देखिए जब आप musculocutaneous nerve पढ़ते हैं तो इसके नाम में एक चीज छुपी हुई है कि ये वो नर्व है जो सिर्फ और सिर्फ मसल को ही नहीं लेकिन स्किन को भी सप्लाई करती है. इसीलिए इसके नाम में दो कंपोनेंट आप पढ़ रहे हो, musculocutaneous nerve. ठीक है, तो जब भी आप इस नर्व को पढ़ोगे आपको जो सबसे पहली चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि ये नर्व किस किस को सप्लाई करती है, मसल एज वेल एज स्किन. दैट्स व्हाई द वर्ड कम क्यूटेनियस. क्लियर. अब ये जो कौन सी मसल को सप्लाई करती है, तो यहां पे आपको एक लाइन याद रखनी है दैट मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज ए नर्व ऑफ आर्म. इट इज ए नर्व ऑफ आर्म. इसको हम आर्म की नर्व बोलते हैं. यानी ये जो हमारा फ्रंट ऑफ आर्म है, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली फ्रंट, नॉट बैक, फ्रंट. तो फ्रंट ऑफ आर्म में आपको तीन मेजर मसल्स मिलती हैं जिनका नाम है कॉरेको ब्रेकियलिस, कॉरेको ब्रेकियलिस, बाइसेप्स एंड ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियलिस. तो ये जो तीनों मसल हैं, कॉरेको ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स ब्रेकर, ये तीनों मसल हमें कहां मिलती है, फ्रंट ऑफ आर्म. और इसको हमने क्या नाम दिया है, नर्व ऑफ द फ्रंट ऑफ आर्म. सो ये कौन सी मसल्स को सप्लाई करेगी, इन तीनों मसल्स को सप्लाई करेगी प्लस स्किन. नाउ वेयर द स्किन, विच स्किन. सो व्हेन यू विल सी द कोर्स ऑफ दिस नर्व, अभी जब मैं आपको इसका कोर्स बताऊंगा तो वी रियलाइज कि ये नर्व लैटरल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म पे रन करती है. तो ये मसल तो सप्लाई कर रही है आर्म की, लेकिन स्किन कहां की सप्लाई कर रही है, फोर आर्म की, अलोंग द लैटरल बॉर्डर टिल द रूट ऑफ द थंब. ये जो रूट है हमारा थंब का, टिल दिस पॉइंट, ये जो लैटरल बॉर्डर पे आपका जो स्किन है इसका सप्लाई कहां से आ रहा है, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व से आ रहा है. ठीक है, तो बेसिक चीज इस नर्व के बारे में जो हमेशा आपको याद रखनी है, इसके नाम का कई बार मीनिंग पूछा जाता है कि व्हाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज नोन एज द सेम मस्कुलोक्यूटेनियस, बिकॉज इट नॉट ओनली सप्लाइंग द मसल बट इट इज ऑल्सो सप्लाइंग द स्किन. ठीक है, और कौन सी मसल, जो कि आर्म के फ्रंट कंपार्टमेंट में है, और कौन सी स्किन, जो फोर आर्म के लैटरल बॉर्डर को, इसलिए इसका नाम आया मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. ठीक है, नाउ विल सी the root value and course of this musculocutaneous nerve. So root value क्या है, देखिए it is a branch of lateral cord. सबसे पहली चीज ये है कि ये lateral cord की branch है, और जब आप lateral cord देखते हो, ठीक है, तो lateral cord कैसे बनता है, C5 C6, ठीक है, ये बनाते हैं upper trunk, ये upper trunk divide हुआ ventral division, dorsal division, ठीक है, और ये जो लैटरल कॉर्ड बनेगा इसमें एक और वेंट्रल रूट आएगी, और ये वेंट्रल रूट किसकी होगी, C7 की. ठीक है, तो यहां से लैटरल कॉर्ड कहां से निकली, इस लैटरल कॉर्ड से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकली. तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो इसकी रूट वैल्यू क्या हुई, C5 C6 C7. व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, आंसर इज C5 C6 एंड C7. ठीक है, बिकॉज इट इज ए ब्रांच ऑफ लैटरल कॉर्ड. ठीक है, सो पहली बात तो समझ में आ गई इसकी रूट वैल्यू C5 C6 C7 क्यों है. दूसरी चीज कि जब ये लैटरल कॉर्ड से निकलती है तो लैटरल कॉर्ड किसके लैटरल होती है, एक्सिलरी आर्टरी के, है ना. सो ये सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, ये क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. तो ये जो लैटरल कॉर्ड है, इस लैटरल कॉर्ड से यहां पे तो निकला लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और यहां से निकली लैटरल, ये कौन सी नर्व निकली, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. क्लियर, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इस आर्टरी के लैटरली है, और ये लैटरल मोस्ट स्ट्रक्चर, लैटरल मोस्ट स्ट्रक्चर है मतलब कि अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मैं सपोज करो ऐसे डिसेक्शन कर रहा हूं, है ना, तो ये कौन सी बोन है, ह्यूमरस, और ये ह्यूमरस के इनर साइड है, तो यहां पे ये ह्यूमरस बोन है. क्लियर, दिस इज द ह्यूमरस.
So this musculocutaneous nerve is going towards the muscle which is attaching here. और यहां पे जो मसल है वो मसल होंगी फ्रंट ऑफ आर्म की. कौन सी मसल होंगी? फ्रंट ऑफ आर्म की. और फ्रंट ऑफ आर्म में आप यहां तीन मसल्स देखते हो, कॉरेको ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकाय एंड ब्रेकियलिस. ठीक है, तो पहली चीज आपको ये इसके कोर्स में जब आप कोर्स लिखना शुरू करते हो, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस लैटरल नर्व, दैट इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इज द लैटरल मोस्ट ब्रांच ऑफ द लैटरल कॉर्ड एंड दिस विल गो टुवर्ड्स द कॉरेको ब्रेकियलिस. किधर जाएगी? ये कॉरेको ब्रेकियलिस की तरफ जाएगी. और जैसे ही कॉरेको ब्रेकियलिस की तरफ पहुंचती है, ये इस कॉरेको ब्रेकियलिस को पंक्चर करती है, यानी पियर्सेस दिस, इट पियर्सेस द कॉरेको ब्रेकियलिस मसल. और कॉरेको ब्रेकियलिस मसल को पियर्स करने के बाद अगर आप ह्यूमरस को देखते हो, तो ये ह्यूमरस है. ठीक है, इस ह्यूमरस के अंदर ये जो आपका एंट्रोलैटरल सरफेस है, यहां से एक मसल, बड़ा सा मसल अराइज हो रहा है, दैट इज ब्रेकियलिस. ठीक है, तो नर्व अराइज हुई. ठीक है, नर्व अराइज होने के बाद जा रही लैटरली. लैटरली उसने किसको पियर्स किया? जो मसल यहां इंसर्ट होने वाली थी, दैट इज कॉरेको ब्रेकियलिस. तो ये मसल ने कॉरेको ब्रेकियलिस को पंक्चर किया. उसको पियर्स करने के बाद नाउ दिस विल कम हियर. नाउ यहां पे कौन सी मसल है, इस सरफेस पे कौन सी मसल चिपकी हुई है? आंसर इज ब्रेकियलिस. देखो, बाइसेप्स ब्रेकाय का ह्यूमरस पे अटैचमेंट नहीं होता है. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट बाइसेप्स ब्रेकाय ऊपर से आ रही है. कहां से आ रही है? उसका शॉर्ट एंड आ रहा है कॉरेकॉइड प्रोसेस से, लॉन्ग एंड आ रहा है सुप्राग्लूटियल ट्यूबरकल से. सो बाइसेप्स इज कमिंग फ्रॉम द स्कैपुला एंड इट इज जस्ट पासिंग इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस. इट डज नॉट हैव एनी अटैचमेंट और ओरिजिन ऑन दिस बोन. ठीक है, तो इसके ऊपर से कौन पास हो रहा है? यहां आगे से बाइसेप्स ब्रेकाय. और यहां पर कौन सी मसल चिपकी हुई है जो यहां से अराइज हो रही है? वो है ब्रेकियलिस. तो ब्रेकियलिस के ऊपर जो बाइसेप्स ब्रेकाय जाएगी, तो ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है जो इस कॉरेको ब्रेकियलिस को पियर्स करके यहां आ चुकी है, वो इन दोनों मसल के बीच में सैंडविच बन जाती है. मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिसेक्शन में इस बाइसेप्स ब्रेकाय को काट के लिफ्ट करोगे, तो उसके नीचे ब्रेकियलिस मसल के ऊपर आपको क्या मिलेगा? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. और ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व धीरे धीरे लैटरली हो जाती है, ये ऐसे ऑब्लिक जाती है. और क्या होगा कि यहां लैटरली, ये जो हमारा लैटरली एल्बो जॉइंट का क्रीज है, उसके 2 सेंटीमीटर अराउंड ऊपर ये डी फेशिया को पियर्स कर देगी. क्यों पियर्स कर देगी? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये किसको सप्लाई करेगी? स्किन को. और स्किन को सप्लाई करने के लिए किसी भी नर्व को क्या होना पड़ेगा? सुपरफिशियल. तो अल्टीमेटली ये नर्व किसमें आएगी? सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर बन जाएगी. ये किसमें आ जाएगी? सबक्यूटेनियस लेयर में आ जाएगी, तभी ये ऊपर अपनी स्किन को सप्लाई कर पाएगी. ठीक है, तो इसको किसी ना किसी पॉइंट पे डी फेशिया को पियर्स करना पड़ेगा. और ये डीप फेशिया को कहां पियर्स करेगी? 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो क्रीज ऑन द लैटरल एस्पेक्ट. ठीक है, तो ये जो बाइसेप्स का टेंडन है, इस बाइसेप्स के टेंडन और ब्रेकियलिस के बीच में अगर हम डिसेक्शन करेंगे, तो हमें दिखता है कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो इस तरह से डीप फेशिया को पियर्स करके फोर आर्म की सबक्यूटेनियस स्किन में अंदर जा चुकी होती है. कहां जा चुकी होती है? सबक्यूटेनियस लेयर में. और इट रन्स अलोंग द लैटरल बॉर्डर इन द सबक्यूटेनियस एरिया ऑफ दिस फोरआर्म. क्लियर? तो दिस इज द बेसिक थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि अगर हम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का कोर्स लिख रहे हैं, तो हमें स्टार्ट कहां से करना है? दैट इट अराइजेज एज अ लैटरल ब्रांच ऑफ द लैटरल कॉर्ड एंड इट गोज मोर लैटरली वेयर इट पियर्सेस द कॉरेको ब्रेकियलिस मसल. एंड आफ्टर पियर्सिंग द कॉरेको ब्रेकियलिस, इट जस्ट नाउ रन ऑन द ब्रेकियलिस मसल बट कवर्ड बाय द बाइसेप्स ब्रेकाय. सो इट रन्स बिटवीन द बाइसेप्स ब्रेकाय एंड ब्रेकियलिस मसल एंड इट अपीयर्स हियर ऑन द 2 सेंटीमीटर अबव द क्रीज ऑफ द एल्बो ऑन द लैटरल साइड. एंड देन व्हाट विल हैपन हियर? इट पियर्सेस द डीप फेशिया बेसिकली, बिकॉज दिस नाउ हैव टू सप्लाई द स्किन, सो इट हैज टू बिकम द सबक्यूटेनियस. So it runs in the subcutaneous area here on the lateral border of the forearm and it supplies the skin till the root of thumb. Clear? So ye cheez kya hai? Ye iska kya hai? Course hai. Now we'll discuss the relations of the structures. Dekhe, relations of musculocutaneous nerve kya hai? Relations ka matlab ye hai ki jab ye nerve
अपने ओरिजिन पॉइंट से लेकर के और नीचे तक गई तो इसके चारों ओर कौन कौन से और दूसरे स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। तो देखिए एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां आपको याद रखना है कि ये आपका ठीक है एक्सिलर, ये लैटरल चेस्ट वॉल है, क्लियर। अब जो आपकी नर्व अराइज हो रही है वो किसके रिलेशन में है, तो अभी मैंने बताया आपको कि ये जो हमारा एक्सिलरी आर्टरी है, इस एक्सिलरी आर्टरी के सेकेंड पार्ट पे लैटरल कॉर्ड है, क्लियर। और यहां पे ये नर्व अराइज हो रही है, दिस इज द लैटरल ब्रांच एंड दैट इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जब अराइज होती है तो इसके बैक में पीछे की तरफ कौन सी मसल है, तो ये जो पूरा एरिया है, अगर आप इस पूरे एरिया को सपोज एज्यूम करो, ठीक है, तो ये क्या है, मेरा ग्लिनोइड कैविटी है, दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, एंड ये है हमारा बॉर्डर एडजेसेंट टू द ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, और ये है मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। सो अगर यहां पे आर्टरी है, ठीक है, इस पोर्शन में ऐसे आर्टरी आ रही है एंड द आर्टरी विल गो टुवर्ड्स द ह्यूमरस और फिर धीरे 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 कहां चल जाएगी, आर्म से एल्बो में चल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सपोज यहां पे एज्यूम करो कि ये लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये मेरा ह्यूमरस का हेड है, ठीक है, तो ये जो गैप है यहां पे इस लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में, ये यहां पे जो गैप है, ये गैप कौन सी मसल भर रही है, ये गैप भरती है एक बहुत बड़ी मसल जो आगे से कॉस्टल सरफेस से अराइज हो रही है स्कैपुला के, उसका नाम क्या है, सब स्कैपुलरिस। तो सब स्कैपुलरिस यहां से अराइज हो रही है, इस गैप को फिल कर रही है और पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला बना रही है। तो ये जो गैप है, ये गैप कौन सी मसल से फिल हुआ, ये फिल हुआ सब स्कैपुलरिस मसल से, ठीक है। तो पीछे की तरफ आगे तो क्या था, पेक्टोरिस मेजर था, यहां पे आगे तो पेक्टोरिस मेजर है, मेजर के नीचे माइनर है, लेकिन हम उनको हटाने के बाद जब डिसेक्शन में देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और उसके लैटरल में मिल रहा है लैटरल कॉर्ड और उससे निकलती हुई मिल रही है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर पीछे कौन से मसल के ऊपर लाए कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया यहां पे तो गैप है, ठीक है, और आर्टरी ऐसे आ रही है, ऐसे आके ऐसे जा रही है और उसी के लैटरली लैटरल कॉर्ड है, तो ऐसा तो है ही कि यहां पे गैप है ना, वी आर नॉट एबल टू सी द गैप इन द डिसेक्शन। तो ये गैप कौन भर रहा है, आंसर इज सब स्कैपुलरिस। तो यहां पीछे की तरफ जो स्कैपुला है, उस स्कैपुला से एक मसल आ रही है जो कि किधर जा रही है, आपके ह्यूमरस पे, ह्यूमरस पे कौन से पॉइंट पे, ट्यूबरकल पे, लेसर ट्यूबरकल पे, और उसके आगे ये आर्टरी है और ये नर्व है, क्लियर। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा, पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा, सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। ये जो सब स्कैपुलरिस मसल है ये किस किस की पोस्टीरियर रिलेशन में है, एक्सिलरी आर्टरी के भी है और इस लैटरल रूट सॉरी लैटरल कॉर्ड के भी है, और लैटरल कॉर्ड के पोस्टीरियर रिलेशन में तो बट ऑब्वियसली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के ओरिजिन के पोस्टीरियर रिलेशन में भी सब स्कैपुलरिस होगी, क्लियर। तो सब स्कैपुलरिस मसल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी, योर लैटरल कॉर्ड, योर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ओरिजिन, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका पोस्टीरियर रिलेशन, ठीक है, दैट इज सब स्कैपुलरिस मसल। इसका एंटीरियर रिलेशन क्या है, एंटीरियर रिलेशन मैंने आपको बताया कौन कौन है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल, सो वो कहां है, इसके एंटीरियर लिए। मीडियल रिलेशन क्या है, व्हाट इज मीडियल रिलेशन, तो नर्व के मीडियली क्या है, एक्सिलरी आर्टरी, सो द मीडियल रिलेशन इज एक्सिलरी आर्टरी। एंड व्हाट इज लैटरल रिलेशन, लैटरल रिलेशन क्या है कि ये जो नर्व यहां से अराइज होगी, ये नर्व अराइज होने के बाद किसके अंदर कौन सी मसल है जिसके अंदर पियर्स करेगी, कॉरिको ब्रेकियलिस। तो लैटरल रिलेशन क्या हुआ, इस नर्व के लैटरली कौन सी स्ट्रक्चर होगी, कॉरिको ब्रेकियलिस मसल, ठीक है। तो ये हो गए रिलेशन ऑफ मसल सॉरी नर्व इन अपर पार्ट ऑफ एक्सिला। फिर से समझिए, पोस्टीरियरली जो सारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच का गैप फिल कर रहा है, जो पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला बना रहा है, उसका नाम है सब स्कैपुलरिस मसल। तो सब स्कैपुलरिस मसल
is posterior to the axillary artery, posterior to the lateral cord and posterior to the musculocutaneous nerve. इस नर्व के एंटीरियरली क्या है? एंटीरियरली या एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के स्ट्रक्चर, यानी पेक्टोरिस मेजर है, उसके नीचे आपको पेक्टोरिस माइनर मिलती है. मीडियली क्या है? तो लैटरल कॉर्ड इज लैटरल टू व्हाट? दिस आर्टरी. तो आर्टरी का रिलेशन कॉर्ड के कंपैरिजन में क्या हुआ? मीडियल हो गया. तो आर्टरी इज मीडियल टू द कॉर्ड एंड कॉर्ड इज लैटरल टू द आर्टरी. सो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व यहां से अराइज हुई. तो इसके मीडियली क्या क्या हो गया? इसकी मीडियली हो गई आर्टरी, पर्टिकुलरली द सेकेंड पार्ट. लैटरली क्या हो गया? इस नर्व के लैटरली हो गई कॉरिको ब्रेकियलिस, जिसमें ये अल्टीमेटली घुसने वाली है. इट विल पियर्स दिस. सो ये रिलेशन हो गए इन द एक्सिला. अब क्या होगा? ये नर्व अंदर जाने के बाद धीरे 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 इस तरह से ऑब्लिकली क्रॉस करेगी. तो यहां पे जो मसल है इसकी बैड पे, वो बैड यानी इसकी जो फ्लोर में मसल है उसका नाम क्या है? ब्रेकियलिस. तो अगर सपोज मैं यहां से कट करूं और कट करके देखूं तो मुझे क्या दिखना चाहिए? कि ये तो है बाइसेप्स, सॉरी ये तो है हमारी ह्यूमरस, ठीक है? ये ह्यूमरस बोन है, ये इसकी एंटीरियर बॉर्डर है, क्लियर? अब इस ह्यूमरस पे कौन सी मसल अराइज होती है? इस ह्यूमरस से अराइज हो रही है ब्रेकियलिस. अभी मैंने बताया दिस इज ब्रेकियलिस, ठीक है? और ब्रेकियलिस के ऊपर कौन सी मसल ओवरएक्ट कर रही है, जो ऊपर से आके नीचे जा रही है? बाइसेप्स. तो बाइसेप्स ब्रेक आए, तो ये जो मसल है ऊपर से कौन सी मसल पास हो रही है? बाइसेप्स ब्रेक आए. बाइसेप्स ब्रेक आए इससे चिपकी हुई नहीं है, ठीक है? बाइसेप्स ब्रेक आए तो आर्म में से सिर्फ पास हो रही है नीचे. और इन दोनों के बीच में क्या मिलना चाहिए? इन दोनों के बीच में मिलना चाहिए मुझे मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व. तो ये क्या है? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, क्लियर? तो जब आप मिड ऑफ द आर्म में अगर सेक्शन बनाओगे तो आपको बाइसेप्स ब्रेक आए और ब्रेकियलिस के बीच में क्या मिलनी चाहिए? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है? तो रिलेशन आर्म के अंदर क्या हुआ? पोस्टीरियरली ब्रेकियलिस, अबव बाइसेप्स ब्रेक आए, ठीक है? और जैसे जैसे नीचे जाओगे ये अल्टीमेटली इस एल्बो क्रीज के 2 सेंटीमीटर ऊपर डीप फेशिया को पियर्स कर देगी. क्यों? क्योंकि सपोज ये डीप फेशिया है और ये नर्व को डीप फेशिया को पियर्स करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये नर्व स्किन को सप्लाई नहीं कर सकती. और इसके नाम में क्या छुपा हुआ है? मस्क्यूलोक्यूटेनियस. तो ये यहां पर डीप फेशिया को पियर्स करेगी और पियर्स करने के बाद फोर आर्म के सबक्यूटेनियस लेयर में रन करेगी एंड अल्टीमेटली देन इट विल सप्लाई द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्किन ऑफ द फोर आर्म, ठीक है? सो ये आपने क्या क्या पढ़ा? तो जब भी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व आती है तो आपको क्या लिखना है? इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ठीक है? इसका रूट वैल्यू क्या है, इसका कोर्स क्या है, इसके रिलेशंस क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या है. ब्रांचेस में मैंने आपको बताया कि 3 तो ये मस्कुलर ब्रांच देती है, दैट विल सप्लाई योर बाइसेप्स ब्रेक आए, योर कॉरिको ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियलिस. दूसरा कि जब ये नर्व एक्सिला में होती है तो एक ब्रांच देती है शोल्डर जॉइंट को, और जब ये एल्बो पे आती है तो ये ब्रांच देती है एल्बो जॉइंट को, जो कहलाती है आर्टिकुलर ब्रांच. और तीसरी ब्रांच दैट इज इट्स लोअर कंटिन्यूएशन व्हिच इज नोन एज क्यूटेनियस ब्रांच. क्यूटेनियस ब्रांच का नाम क्या होता है? लैटरल ब्रांच ऑफ फोरआर्म, लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोरआर्म. सो कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि लैटरल क्यूटेनियस आर्म ऑफ फोरआर्म इज, आंसर इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व.